एक मिनट राजा क्या बोलो हेलो एक्चुअली पिछले दो सालों में मैंने कोई फोटोशूट नहीं किया है. जो भी पिक्चर्स हैं मेरे वो सिर्फ वेडिंग पुलाव के हैं. तो अभी जो हमारे जो कुछ मैगजीन्स कवर्स कर रहे हैं मुझे मेरे FHM का मैगजीन आ रहा है तो उसके लिए. अच्छा कितना मायने रखता है फोटोशूट कवर पेज पे, मतलब फिल्म फेयर हो या FHM हो जो भी पॉपुलर मैगजीन्स हैं उस पर फीचर होना कितना खास होता है किसी सेलिब्रिटीज के लिए?
आई थिंक काफी खास होता है अगर आप समथिंग 11 पॉइंट समथिंग का या उसके बाद का मैंने देखा नहीं था अनफॉर्चूनेटली थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है बट यही होता है यार इस इंडस्ट्री में बहुत टफ तरीके से सीखा है मैंने ओके अनुष्का पहले तो आज के फोटो शूट के बारे में जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का यह फोटो शूट है एक्चुअली ना मैंने बहुत सालों से फ़ोटो शूट नहीं किया है क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो मैं वेडिंग ब्लॉग ही कर रही थी तो तभी हमें कोई फ़ोटोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी बट नाउ आई वॉन्ट टू री इन्वेंट आई वॉन्ट टू लुक डिफरेंट तो इसलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है हमने किया है ऑल वाइट्स सिर्फ वाइट कपड़ों में मेरा शूट हो रहा है एंड इट्स अ लिटिल मोर सेक्सी लिटिल मोर न्यूड थोड़ा हाई फैशन है सो माई मेकअप एंड ऑल इज़ वेरी सिंपल ऐसा नहीं कि लाउड मेकअप लाउड लिप्स रखा है इसमें एज यू कैन सी राइट नाउ सो या सो ये है मकसद ये है कि यू नो अगर अभी हम मैगजीन्स के लिए इधर उधर भेजने के लिए आई डोंट हैव एनी पिक्चर्स आई वाज लाइक इट्स हाई टाइम वी शूट समथिंग एंड अ डिफरेंट लुक देन व्हाट आई वाज इन वेडिंग पुलाव पूरा वाइट हमें थीम देखने को मिली है जितने भी दो तीन जो भी हमें चेंज देखे वाइट थीम एनी पर्टिकुलर रीजन की वाइट थीम ही रखनी है एक्चुअली जो राहुल जंगियानी है मेरे फोटोग्राफर वो थोड़े फंकी से हैं तो वो अपने आप ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और उन्होंने डिसाइड किया था कि वी विल गो फॉर ऑल वाइट जब तक मैं यहाँ आज सुबह आई नहीं मुझे पता भी नहीं था मैं क्या पहन रही हूँ कैसे शूट हो रहा है सो आई लेफ्ट इट ऑल ऑन राहुल आई ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड आई होप इट लुक्स नाइस आई मीन जितना देखा है वो तो अच्छा लग रहा है अभी देखते हैं आगे क्या होता है ओके अनुष्का अब हम देख रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में पहली फिल्म वेडिंग पुलाव भी रिलीज हो गई तो अब अपने लाइफ को कैसे देखती हैं आप बिकॉज हर जगह अब एवरीवन नो कि अनुष्का रंजन अब उनकी फिल्म भी यू नो एक्चुअली इतने लोग मुझे नहीं अभी तक रिकग्नाइज कर रहे तो दे लुक एट मी लाइक ये है क्या वो एक्ट्रेस और कोई आके पूछेगा आपकी पिक्चर आई है आपने पिक्चर की है उन्होंने हाँ हाँ वही मैं ही हूँ बट अच्छा लगता है बहुत स्वीट लगता है जब लोग आके मुझे हाय हेलो करते हैं मेरे साथ फ़ोटोज़ खींचते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है होपफुली अभी और भी बढ़ता जाएगा और पूरा देश पूरा वर्ल्ड होपफुली मुझे सुन जान पाए यही कोशिश है मेरी FHM ये मैगजीन के लिए जो फोटोशूट है जब बचपन से जब आप किसी भी मैगजीन को कवर पेज पे आप देखती थी जी तो क्या फीलिंग होती थी कि एक दिन मुझे भी इस तरह से आना है ऐसी कुछ फीलिंग डेफिनेटली जब भी मैंने अपने आप को किसी को देखा है मैगजीन कवर्स पे ऐसे लगता है कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है यू नो क्योंकि आपने कुछ किया है आपने कुछ काम किया है विच इज़ वाई योर वर्थ पुटिंग ऑन अ बुक जो लोग पढ़ते हैं सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग डील लाइक दैट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड FHM is a very high fashion magazine, like a very big magazine in all over the world. और वहाँ पर सिर्फ बहुत good looking, sexy लोग आते हैं। तो I'm guessing, I think मैं वो category में आ चुकी हूँ अभी। So I'm excited about that. इसके अलावा जैसा कि आपने कहा था कि हो सकता है कि आई थिंक आलिया भट्ट के साथ में आपकी कोई फिल्म में देखने को मिले इस कोई प्रोजेक्ट है कोई प्लान है या कोई बातें हुई है नहीं एक्चुअली अभी तक कुछ बातें तो हुई नहीं है बट आई होप हो जाए बहुत जल्दी एंड आई एम वेटिंग होपिंग कि हो ऐसा हो एंड अगर उसके साथ काम करने को मिले तो बी द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर बिकॉज अगर आप जब भी काम जो भी काम करते हैं अगर आपके दोस्त साथ में हो या जो आपके साथ कंफर्टेबल हो आपका काम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है सो आई थिंक दैट विल हेल्प मी अ लॉट मैं थोड़ी न्यू हूँ उसने फिर भी काफ़ी फिल्में की हैं सो वो हम एक दूसरे की एनर्जीज के ऊपर हम लोग प्ले कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं शानदार अगर आपने देखी हो तो यस आई लव शानदार मैंने जब से उसके बारे कॉन्सेप्ट सुना था आई फाउंड इट वेरी कूल और हाई टाइम के हम लोग यू नो अगर इतना पैसा डाल रहे तो शुड लुक लाइक इट एंड विच शानदार डिड लुक थोड़ा फंकी सा था थोड़ा अजीब सा था बट इट्स समथिंग नाइस थोड़ा न्यू एज इट लुक लाइक अ डिज्नी कार्टून यू नो तो दैट्स व्हाट आई थॉट वाज रियली नाइस शाहिद कपूर इज लुकिंग फैंटास्टिक इन दिस फिल्म आई वाज लाइक ओह माय गॉड आई हैव अ क्रश ऑन शाहिद ही इज लुकिंग सो सो गुड एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है ही इज लुकिंग सो गुड एंड फ्रेश एंड एवरीथिंग बहुत अलग लग रहे हैं उनका जो हेयर स्टाइल भी उन्होंने रखा है इस पिक्चर में तो आई थिंक विद हिम एंड आलिया रियली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर अच्छा दिवाली इज द कॉर्नर तो क्या कुछ प्लान होते हैं आपके जब दिवाली आती है तो अनुष्का के क्या कुछ शॉपिंग नहीं एक्चुअली मुझे ताश खेलने का बहुत मज़ा आता है आई लाइक प्लेइंग कार्ड्स समटाइम्स सो आई प्ले फॉर फन विद माई फ्रेंड्स एंड एवरी थिंग ये बड़े स्टेक से मुझे बहुत डर लगता है तो आई डोंट गेट इन टू गैम्बलिंग बिग टाइम बट मुझे आई लाइक प्लेइंग पोकर विद माई फ्रेंड्स आई हैव टू मेक रंगोली मेरा मैंने बचपन से ये मैंने एक चीज़ रखी है जो मैं खुद अपने घर में रंगोली बनवाती हूँ सो कोई और हेल्प नहीं करता है सिर्फ अगर किसी को यहाँ वहाँ पास करना है तो वो एक चीज़ है एक्चुअली जो मैं बहुत एक्चुअली मॉम अगर मैं नहीं जाऊँ 5 बजे बाहर दरवाजे के रंगोली में वो थोड़ा बोलती है कि नो मॉर्निंग नहीं नहीं शाम इवनिंग क्योंकि हमारा उसके बाद बिल्कुल पूजा होता है घर पे
सो आई ऑलवेज मेक द रंगोली. सो आई थिंक फॉर मी दिवाली विल ऑलवेज मीन रंगोली. कोई ऐसी हमें स्पेसिफिक प्लान यू एंड आलिया के आप दोनों के बीच में कोई ऐसे दिवाली की स्पेसिफिक प्लान कोई देखने वाले? बिकॉज मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि यू एंड आलिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड. वो कहती है कि ही इज माय सिस्टर, वो कहती है ये मेरी सिस्टर, ये से ये इतनी डॉलर मैं इतनी नो. एक्चुअली हमें उसके एक फार्म हाउस है वहाँ जाना था, बट ये शूट आ गया, कल मुझे काम है, परसों मुझे काम है, और फर्स्ट के बाद आलिया बिजी है. सो अनफॉर्चुनेटली जब मैं फ्री हूँ वो बिजी है एंड वाइस वर्सा, तो प्लान हो नहीं रहा है. बट आई थिंक वी आर प्लानिंग कि न्यू ईयर कहीं साथ में मनाएं अभी, अगर अब दिवाली नहीं कर सके या जो भी. सो लेट्स सी हाउ द प्लान्स वर्क आउट. अभी तो होपफुली काम ज़्यादा आता रहेगा तो फिर कुछ टाइम करने को मिलेगा नहीं. मैं हूँ अनुष्का रंजन एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली. प्लीज़ क्रैकर्स मत फोड़िए, बहुत सारे रंगोली बनाइए और दिया जलाइए. थैंक यू.